बाकी सब सही है, थोड़ा सा आइस मोका मीट्स आइस अमेरिकानो। एग्जाम देखो फ्री हो आपको एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हमारी चल रही है। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, डेले के अचार के गोभी के परांठे के साथ में दही बड़े बाजी रेडी हो चुके हैं। डेले का अचार, यस डेले का अचार। गुड मॉर्निंग। बॉल वाला अचार बोलता हूँ। कौन सा अचार बोलते हैं? बॉल वाला अचार। फटाफट हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे काम पे, बहुत सारा काम है आज। गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। यस चलो अचार खाओ, दही खाओ, पराठे खाओ। ओ जाती बाहर के गोभी के पराठे, मैं कहा यार ये मार्च अप्रैल में गोभी जाते जाते दो चार बार गोभी के पराठे तो खरा दो, करारे करारे, फिर बाद में गोभी में वो स्वाद नहीं रहेगा। ओ लो जी पराठे, दो चार गोभी के पराठे खाओ जी। दो भाई, दो पराठे और नाश्ता और सॉर्टेड। दिन चालू करे। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। खाना पूरा खा के अब फिर से निकल चुके हैं सड़क पे, सड़क पे तो नहीं मतलब गाड़ी में, मतलब ऑन द रोड, समझ रहे हो ना, कॉन्टेक्स्ट समझो। या तो ये पाइप खराब है या ये कुछ इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, पता नहीं। आई थिंक ये कोई फैंसी इरिगेशन सिस्टम। ओ यस पानी बॉटल ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अब वो दिन आने वाला है जब आपके वॉशरूम का काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर मेरे वॉशरूम में शुरू हो जाएगा। देखो कब होता है तब फिर मैं आपके वॉशरूम में आऊंगा फ्री में, क्योंकि मैंने आपसे कोई पास नहीं लिया था। ये चीज ब्लॉग के स्टार्टिंग में डालो, मैंने एक चीज देखी, ब्लॉग देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब टू ट्रैवलिंग पाजी फॉर डेली व्लॉग, नंबर चल रहा है 285। आज गाड़ी नो पार्किंग से बच के रहेगी क्योंकि आज हम लोगों ने एक्चुअल पार्किंग में गाड़ी डाली है। पार्किंग कहाँ पे लगाते हो गाड़ी की? अंदर लगाते हैं? नहीं अंदर लगाते पार्किंग, अंदर ही लगाते हैं। बेसिक बेसिक कपड़े मिलते हैं यही। हमारे आज के दिन के टूर गाइड अच्छे से सजेशन देते हुए, ये दिल्ली में रहोगे तो बहुत ही वो मिलेगी। क्या मिलेगी? समझ आ रहा है कुछ? देख रहे हैं अभी थोड़ा दिमाग खुल रहा है। ये थोड़ी मेडल से थोड़ी अच्छी है। अच्छा अभी आप पीक भी दिखाएंगे? बड़े भाई कुछ समझ आ रहा है? हाँ यहाँ पे काफी समझ आया, आइडिया लगता है भाई। रेडीमेड कुछ पड़ा हुआ था ना, उससे समझ तो आया। आईपैड से रेडीमेड पे आए, रेडीमेड से कोई पहना भी दे तो और समझ आ जाए, साइज मिल जाए तो। दो मॉडल है मेरे साथ, दो मॉडल है, दोनों मॉडल, दो मॉडल है, मतलब कोई सैनी पहलेगा शेरवाली, कोई मैं पहलूंगा। अपने इलाके से सैनी दिलवा के ही छोड़ेगा, खरीदवाना चाहता है। कोई कमीशन मिल रही है? भाई लास्ट टाइम ढूंढी थी हम लोगों ने, इससे ज्यादा जानते हैं हम लोग इसके इलाके को, पर दुकान ना बंद हो जाए सारी बेइज्जती हो जाएगी। खुलिए खुलिए खुलिए, तुम्हारे इलाके में आके तुम्हें ही नई जगह दिखा रहे हैं। देखो एक ही क्या खाओगे? कुछ तो खाओगे, मिड वर्क ब्रेक इच्छा नहीं अभी। मेरे को कोई गोल गप्पे खिला दो, कॉफी पाउडर डाल देता ऊपर से, क्या जा रहा था उसका बेचारे का। प्लेन दही वाला बना दो, एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने रोका नहीं उसको, पानी डाल दो। खा ले दही में। भैया कह रहे कुछ एडवेंचर करते हैं। भैया 25 के खिला दो, एक मोटा वाला बना दो, दही वाला खा के मजा नहीं। बढ़िया सा बना, मोटा वाला पानी वाला। हाँ सब सब बढ़िया, पानी में दही भी मत डालना। ये आ गया जी चौक रानीबाग का, और ये छोटी सी हम लोगों ने गोलगप्पा ब्रेक ले ली जिसके अंदर शर्ट पे भी गिरा दिया यार, पहन ही नहीं सकता। लाइट कलर की शर्ट पहनना मेरे बस की तो आई डोंट थिंक सो है। कहाँ जा रहे हैं हम सैनी? किसी का ना कमेंट आ रखा था फूडी संडे वाले ब्लॉग में, सैनी का असली नाम क्या है? सैनी, ठीक है। लोग सैनी को प्यार से सैनी बुलाते हैं, नारंग को भी प्यार से नारंग ही बुलाते हैं। क्या नाम है आपका? अतर।
भागे भागे आए, भागे भागे, आराम से रह। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और हम रोड क्रॉस कर रहे थे आराम से। ये मार्वल फैन बॉय शॉपिंग करने आए थे, ओके भाई। एक और हेलो, कैसे हो? कैसे हो? क्या नाम है आपका? अमन। अमन नयन। आप तो खा रहे हो शॉपिंग करने? आपके ब्लॉग में यही रहे। कैसे लगते हैं? एक फोटो। हाँ सो आज का काफी लंबा दिन रहा और अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ है। शॉपिंग शॉपिंग चली जा रही है। मुझे कुछ कुछ समझ आया, बड़े बाबाजी कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ समझ आया। अब हम लोग लेंगे लंच ब्रेक लेंगे या इवनिंग स्नैक्स ब्रेक लेंगे, कोई तो ब्रेक लेंगे। हम लोग चलेंगे, सिलसिला चलेगा। सैनी साहब तो गए अपने बैडमिंटन खेलने। भाई शर्मा साहब देखते हैं क्या खेलेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। शर्मा साहब अभी, शर्मा साहब को भूख लग रही है, दोनों शर्मा साहब को भूख लग रही है। स्नैक ब्रेकिंग करने आए हम लोग सेक्टर 7 में, पियेंगे कॉफी। और आप कभी हो गए? पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। उस दिन भी खुश हो रहा था, ये हमने तेरा की मार्केट में देखा था। अच्छा, हमने उनको बताया, वो खुश हुआ, कहता है अच्छा मैं भी। वो बोलेगा कि तुम्हें ही दिखते हैं। खाने पीने जगह मिल जाते हैं अपने। हाँ जी, काम ये वो आइस्ड अमेरिकानो में थोड़ा सा दूध चाहिए होता ना। चीयर्स चीयर्स कॉफी चीयर्स। आइस्ड मोका मीट्स आइस्ड अमेरिकानो। क्या पीना था आपने? और चॉकलेट पीने का मन हो रहा था, बट गर्मी इतनी है तो मैंने बोला गर्मी इतनी है तो कोल्ड चॉकलेट थी, बट बड़े भाजी ने ली आइस मोका। ओ बस कर दो। भाई आज पूरा दिन हम लोग काम करते रहे इधर उधर मार्केट में घूम के, अच्छा खासा हम लोगों ने आउटपुट निकाला है। और अब ये देखो भाई, नवरात्रों की भी तैयारियां शुरू हो गई है, माहौल बन चुका है, मजा आएगा। नवरात्र पूरी गली में लाइट लगा दी उन्होंने, तो पूरी लेन में मतलब। भाई मैं कह रहा हूँ भाई, हमारी रोहिणी बहुत सुंदर है। रोहिणी के अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइप की डेकोरेशन होती है और उसका ना मतलब वाइब्स ही अलग आती है ना। हाँ बढ़िया लाइटिंग कर रखी है। ट्यूजडे भी आज प्रसाद भी चढ़ा लेते हैं। और मम्मा आज क्या किया आपने पूरे दिन? सबसे कपड़ों की मैनेजमेंट। भाई सर्दियों का ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया। अब ये जो कपड़े हैं इतना वुलन जमा हो जाता है, क्योंकि ना मैं हमेशा बोलती हूँ सबको कि सर्दियों में ना वुलन मत खरीदा करो, फिर भी इतना वुलन खरीदा जाता है, इतना वुलन, नया डिजाइन सब कुछ आता है, कितने ये वुलन यहाँ वुलन हर जगह, ड्राई क्लीन वाले इतने सारे पड़े, सब मैनेजमेंट कर लिया। दो बैचेस हमने ड्राई क्लीन करा लिए हैं, अभी मैं कहा 3-4 और जाएंगे, और जाएंगे उसके बाद फिर ये सब अंदर जाएंगे और फिर 6-8 महीने बाद आएंगे। हमने भी आज बहुत काम किया बाहर। अभी रात के बज रहे हैं 11:14, व्लॉग एडिट करना है, सोना है, फिर कल सुबह फिर से निकलना है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जी, एंड गुड विशेस ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग अवर डीजी फैमिली। और डीजी फैमिली तो हमारे से भी ज्यादा एक्साइटेड, और डीजी फैमिली के तो भाई कमेंट्स आने शुरू हो गए। डीजी फैमिली से कोई बात नहीं छुपा सकते हम। छुपानी चाहिए भी नहीं, पर कुछ कुछ सरप्राइजेस रखने चाहिए। सरप्राइज फैक्टर तो वो तो नोक जोक थोड़ी ना बनी रहनी चाहिए, तभी मजा आता है। सरप्राइज फैक्टर तो होना चाहिए, है ना। चलो अब मैं अपना खाना वाना खाता हूँ अच्छे से, मटर पनीर वगैरह खा खो के, उसके बाद हम लोग अपना रात में एडिट करेंगे और सोएंगे। हार्ड डिस्क मैनेजमेंट काफी, अभी कुछ दिन आगे वाले कुछ दिन भी और पीछे से कुछ दिन भी चलते आ रहे हैं, तो व्लॉग का ना थोड़ा आप देख लेना व्लॉग का, है ना। ठीक है जी, वेलकम बैक टू द रूम। सारा काम कुम खत्म कर करके आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे खीरे है, ये भाई मिर्ची है, इतनी बड़ी मिर्ची। मटर पनीर बना हुआ है, मटर पनीर से हमेशा पापा का ढाबा याद आता है। और ये रोटी है। और हमारे रूम की हालत तो भगवान जाने कब सुधरेगी। रूम हमारा छोड़ो भाई, रूम की चर्चे बाद में नहीं करेंगे, चादर भी निकलने को भी है। यस, क्या कर रहे हो? जेटमेट ऑन कर रहे हो? जेटमेट का पता है ये वाला मोड होता है, जेटमेट में एक ये मोड आज तक मुझे फर्क नहीं पता चला इन दोनों मोड्स में।
मच्छर उतने ही इनके पास आसपास मंडराते हैं मंडराते हैं। इसमें फर्क कोई आता है? इसमें वेपोरेशन जल्दी हो जाती है, इसमें कम होती है। इट्स ऑल इन योर माइंड। मटर पनीर खा के आज मजा आया आपको? ओ क्या तुम लोग, तो मैंने तो खाया बहुत टेस्टी था। मैंने भी खा लिया अपना मटर पनीर। क्या मम्मा ने मटर पनीर बनाया, टेस्टी था। मम्मा मास्टर हो गया, घर का पनीर ऐसे लगने लग पड़ा जैसे मार्केट वाला ही पनीर है। यस, एकदम सॉफ्ट और मोटे मोटे क्यूब्स। चलो काम वाम निपटाया आज, कल निपटाया, कल और निपटाएंगे, परसों और निपटाएंगे, चलते रहेगा सिलसिला जब तक। अब तो गाड़ी पटरी पे आ गई है, दौड़नी चालू कराओ। यस, ऐसे नहीं चलेगा। यस, वो मेरे को तुम लोग मार्केट में हाँ उससे याद है, तुम लोग मार्केट में जाते हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज आ जाता है। अच्छा, कि आज मिले यहाँ पे, मिले मुझे यहाँ पे, मिले मुझे मैसेज। तुम्हें मिले होंगे कुछ अपने टीपी फैमिली के सब्सक्राइबर? वो हमारे मिल जाते हैं भाई, तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज आ गया, आई मेट योर सन्स बोथ ऑफ देम, वेरी नाइस। सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट पापा पाजी पे डीएम करते हैं जी इंस्टाग्राम पे। पर मैंने ये देखा यार, एक चीज मैंने बोल दूं सबको। हाँ। वो बच्चों को तूने बोला एग्जाम चल रहे हैं। हाँ। जिनके एग्जाम हो गए हैं। हाँ। जिनके चल रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट भाई, और जिनका हाँ। रिजल्ट आने वाला है उनको डबल ऑल द बेस्ट, डबल ऑल द बेस्ट, डबल ऑल द बेस्ट। सब बच्चे जी लगा के पढ़ो, दबा के पढ़ो, और एग्जाम देकर रिलैक्स होकर एंजॉय करो। यस, ऑल द बेस्ट, आपके लिए बढ़िया सरप्राइजेस आने वाले हैं कुछ दिन। बड़ा ओ एंजॉय, आप एग्जाम देकर फ्री हो, आपको एंजॉयमेंट के लिए तैयारी चल रही है, कंटेंट रेडी कर रही है, कंटेंट रेडी कर रही है। बी कंटेंटफुल, बी कंटेंटफुल। चलो जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुडू गुडू गुड नाइट।